ये एसओ पैकोलिया और उनकी टीम पिछले 1 महीने से कार्य कर रहे थे और उसमें सफलता मिली है। ये उन्हीं के क्षेत्र में एक बड़ा सा मकान था, उस मकान के अंदर जो स्प्रिट जाती थी हाईवे से होकर के, उस स्प्रिट में थोड़ी थोड़ी करके वो लोग इकट्ठी करते थे और इकट्ठी करके ले जा करके वहाँ पर इसको शराब बना करके और बॉटलिंग करके बेचा करते थे। और जो बॉटल वो यूज़ कर रहे थे वो हमारी IGL जो गीडा में फैक्ट्री लगी हुई है इंडिया ग्लाइकॉस लिमिटेड की, तो उसकी बंटी बबली नाम के शराब बनाते थे, उसकी यहीं पर पैकिंग करते थे। वो पेट बॉटल्स और ढक्कन और QR कोड ये सारी चीज़ें भी वहाँ से बरामद हुई हैं। और ये 2405 लीटर हमें कुल टोटल जो है इनका ये स्प्रिट हमने इनके बरामद किए है। उसके अलावा असलहे और जिस गाड़ी को ये इस्तेमाल करते थे वो गाड़ी, प्लस ये बॉटलिंग का सारा सामान, ये सब भी इनके पास से मिला है। जी हाँ, जब हमारी पुलिस जब वहाँ मौके पे पहुँची रात के वक्त रेड की, तो फिर इन्होंने पिस्टल तान ली और फिर वहाँ पर क्या पता चला सर काफी दिनों ये हमारी जानकारी में जब आया तब हमने इस पे कार्यवाही की है। और ये पिछले कितने समय से चल रहा था ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है। स्पीड कहाँ से चुराते थे सर ये? स्प्रिट जो है ये चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्प्रिट जो जाती है पंजाब हरियाणा साइड से जो जाती है, झारखंड के लिए जो जाने वाली इधर से गाड़ियाँ गुजरती थीं, उन गाड़ियों में से जो ड्राइवर्स होते थे वो इनको थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहते हैं और ये उसका स्टोरेज करते रहते हैं।